अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है मैं आपको जिस स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप है, और जिस इंस्टीट्यूट में है तो ये मैक्स्ट नहीं है, ये जापान में ही स्कॉलरशिप है। और जिस इंस्टीट्यूट का नाम है उस इंस्टीट्यूट का नाम है ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में OIST बोलते हैं। तो ये ओकिनावा सिटी में है ये इंस्टीट्यूट, और ओकिनावा जो है बहुत ही वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेसेस इन जापान। बहुत सारे बीचेस हैं वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल जगह है। तो मेरा जाना हुआ है वहाँ पे, तो आप अगर वहाँ जाते हो तो बहुत आपकी लाइफ बहुत ही बहुत मस्त मज़े वाली लाइफ होगी, ठीक है। तो अब इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो है 15 नवंबर 2020 तक आपने अप्लाई करना है। और इसकी जो लिंक है जहाँ पे अप्लाई करना है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ आपने सारा प्रोसीजर आपने ऑनलाइन करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने का किसी भी किस्म का कोई खर्चा इसमें नहीं है, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट पे थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़े अच्छे से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका मतलब जो एडमिशन प्रोसीजर है वही स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है। तो आपको इसमें मतलब लिविंग भी आपका इसमें कवर्ड होगा, आप इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपको जो है सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है, नंबर वन डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए सबसे पहले। सेकेंड जो चीज़ है, ये सब आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे सिस्टम में, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है वो है आपकी एप्लीकेशन स्टेटमेंट आपने तकरीबन वो 400 वर्ड्स का आपने बनाना है एप्लीकेशन स्टेटमेंट। उसमें दो चीज़ें आपने मेंशन करनी है, एक तो ये है कि आपका साइंटिफिक इंटरेस्ट, कि आप किस साइंटिफिक फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, और दूसरी है आपका होप और एक्सपेक्टेशंस, कि आप इससे क्या सीखना चाहते हो अपनी स्टडी से। तीसरी चीज़ है वो आपका चाहिए आपका पासपोर्ट, आप मतलब उसका स्कैन करेंगे और सिस्टम में आप उसको अपलोड करेंगे। जो चौथी चीज़ है, आपको दो अदद रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वो भी ऑनलाइन होंगे। आप जो अपना प्रोफेसर होगा आप उसकी ईमेल जो है आप सिस्टम में डालोगे, उसका डेटा डालोगे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो सब कुछ डालोगे, तो उसको एक ईमेल चली जाएगी, उसकी ईमेल एड्रेस पे एक लिंक चला जाएगा, तो वो उस लिंक पे आपका सब कुछ ऑनलाइन वो कर देगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। और पांचवी जो चीज़ है वो आपको भेजना है प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आपने जो आपकी बैचलर्स और मास्टर्स की स्टडीज़ जो है आपने वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में की, आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश कोर्स था, वो ईजीली आपको मिल जाएगा जहाँ से आपने अपनी मास्टर्स की है। अब आप इंस्टीट्यूट को बोलेंगे मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो अब आपको प्रिपेयर करके देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में जिनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इसके अलावा मैथमेटिक्स और न्यूरो साइंस और मॉलिक्यूलर साइंस, बायोलॉजी, इस तरह के इसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं आपको लिंक इसमें डाल रहा हूँ, आप उसमें अपना अकाउंट बनाएंगे, जिस तरह फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, सिंपल है सारा प्रोसीजर, उस तरह का अकाउंट बनाएंगे आप उसमें। तो उसके अलावा आप उसमें अपना डेटा सारा डालेंगे, जो चीज़ मांग रहे हैं, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो आप उनके स्कैन जो है आप सिस्टम में अपलोड करेंगे, स्कैन हो या फिर आपका वर्ड फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। तो इसमें मस्ट अप्लाई करें आप। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को इस स्कॉलरशिप का नहीं पता, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, मैक्स्ट नहीं है, मैक्स से इसका प्रोसीजर भी अलग है, तो कोई खर्चा भी नहीं है इसमें, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गिव इट अ ट्राई, ठीक है। थैंक यू सो मच। फर्दर आप लोगों कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, कि किस तरह इसकी लिंक जहाँ पर आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको करना है। कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।